subscribe our channel and press the bell icon and never miss any update from popbollywood.com. हाय गाइस, मैं हूँ मोनिका और आज हमारे साथ एक बॉलीवुड के ऐसे हैंडसम हंक जिनको आप देख के हो जाते हो पागल. वेल, इज नन अदर देन द हैंडसम हंक रजनीश सुगर. थैंक यू सो मच. वेलकम टू पॉप बॉलीवुड. थैंक यू. ओके, सो टॉकिंग अबाउट दिस मूवी उड़न छू, किस तरह का इसमें आपका रोल है? जी, उड़न छू, इफ़ यू सीन द ट्रेलर यू वुड हैव फिगर्ड आउट कि ये एक चोरों की कहानी है. दिस इज अ कॉमन मैन कॉन स्टोरी. तो एवरी वन इज प्लेइंग अ कॉन. सब लोग इस चक्कर में है कि कैसे मैं अगले दिन को उल्लू बनाऊँ. एंड बाबा जी हैं जिन पॉलिटिशियंस इन्वॉल्व हैं, तो वो लोग सब ये ट्राई कर रहे हैं कि कैसे हम अपना ब्लैक मनी जो है वो छुपाएं या इधर उधर करें. और उसी के बीच में जो गुल्लू है जो मैं प्ले कर रहा हूँ, देन बिल्लू जो आशु जी प्ले कर रहे हैं, तो गुल्लू और बिल्लू किस हिसाब से प्ले करते हैं और कैसे सबको थोड़ा घुमाते हैं, उसी के आसपास है उड़न छू. तो आई वुड से कि दिस इज़ एन आउट एंड आउट कॉमेडी फिल्म विद अ लिटिल बिट ऑफ दैट अंडरलेयर्ड मैसेज. तो ऑडियंस को देख के मज़ा आएगा और एक थ्रू आउट एक आपके चेहरे पे एक हल्की सी मन सी मुस्कान रहेगी कि यार ये क्या हो रहा है, मतलब क्या कर रहे हैं लोग. फिर ट्रेलर तो आपका देखा, ट्रेलर में देख के आपको काफ़ी सारे आप रोल्स प्ले कर रहे हो, कभी पंडित बन जाते हो, कभी कुछ ना कुछ तो कर ही रहे हो, तो इतने सारे गेटअप्स और इतना सारा, कैसा था आपका एक्सपीरियंस? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा. इनफैक्ट मैंने फिल्म ली भी इसलिए थी क्योंकि इसमें मेरे 5 रोल हैं और उसमें मैं एक में जो है एक एरोगेंट बिजनेस वाला प्ले कर रहा हूँ, एक में मैं मराठी प्ले कर रहा हूँ, एक में तेलुगू एक जो स्टार टाइप होता है वो प्ले कर रहा हूँ, फिर एक बॉम्बे का लौंडा जो होता है वो प्ले कर रहा हूँ. तो बहुत इंटरेस्टिंग से किरदार हैं जो मुझे प्ले करने को मिले इसमें. एंड आई वुड से दैट ये ओवरऑल स्क्रिप्ट में जितना भी गिव एंड टेक हुआ एक्टर्स के बीच में परफॉर्मेंसेज में, उससे हर एक की परफॉर्मेंसेज ऊपर गई हैं. तो आई एम ग्रेटफुल टू आशु जी, टू प्रेम जी, कि हम सब ने एंड द डायरेक्टर एंड द राइटर, कि मतलब सब ने इतनी मिल के मेहनत से एक शिद्दत से काम किया है. तो आई होप दैट वो रंग लाए. ओके, तो इसमें आपके 5 कैरेक्टर है, तो 5 में से अगर मैं पूछूं आपका पर्सनल फेवरेट कौन सा है, तो आपको कौन सा वो खुद का कैरेक्टर है? जी, मुझे पर्सनली मुझे सारे ही अच्छे लगे हैं, फ्रैंकली बता रहा हूँ उसमें से. लेकिन मुझे एक साउथ इंडियन और एक जो ये गुल्लू है वो प्ले करके बहुत मज़ा आया. बहुत वो जो आपको दिखेगा जो एक गुल्लू वो वाला है जो टोपी पहन के कर्ली वाले, वो वाला किरदार है गुल्लू. एंड हिज इज़ ऑल्सो द लॉन्गेस्ट टाइम स्पैन जो स्क्रीन पे वो आएगा. तो गुल्लू और विक्रम रायचंद, ये दो जो किरदार हैं, जैसे विक्रम रायचंद के लिए मैंने थोड़ी आवाज़ भी अपनी ऐसी की है, मतलब विक्रम रायचंद, तो एक बैरिटोन वाली आवाज़ है उसकी. तो अलग अलग सा हर एक का आवाज़ बॉडी लैंग्वेज बहुत ही अलग है. तो जिस तरह आपका ट्रेलर है, ढोंगी बाबा है जो आजकल यू नो ब्लैक मनी के लिए ठग रहे लोगों को, तो कहीं ना कहीं क्या ये कॉन्सेप्ट गुरमीत राम रहीम से थोड़ा रिलेटेबल लगा आपको? मैं ये कहूँगा कि जो बाबा जितने भी सामने आए हैं न्यूज़ में, यस, उनसे कहीं ना कहीं इंस्पायर्ड है. और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको ब्लैक मनी और बाबा की देखने को मिलेंगी जो काफ़ी लोग रिलेट करेंगे. तो बट वी आर होपिंग कि कोई भी कंट्रोवर्सी ना हो एंड वी आर होपिंग कि एक स्मूथ सेलिंग फिल्म आराम से रिलीज़ हो और अच्छी चले. वेल, आपके आरंभ को लोगों ने काफ़ी प्रेस किया टीवी सीरियल में, तो इतना ज़्यादा उसको पॉपुलैरिटी मिली, हाईएस्ट टीआरपी थी, तो उसके बाद अभी अगर आपको वापस से छोटे पर्दे पर आने का मौका मिले तो? जी, डेफिनेटली. आई रियली लव्ड द होल आइडिया ऑफ आरंभ. एंड जब मैंने लिया भी, जब मैंने वरुण देव और जलदेव प्ले किया, तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा. एंड इनफैक्ट उन दिनों में मेरा थोड़ा टेम्पर भी जो है वो एक वॉरियर वाला हो गया था. बहुत स्पेशली वरुण देव प्ले करते हुए काफ़ी काम था लेकिन सडनली फूटता था. तो बट यस, अभी आई एम वेरी ओपन टू टीवी ऑल्सो. सो साथ साथ में इनफैक्ट कुछ चीज़ें हैं जो मैं कर रहा हूँ, जो मैं अभी तो सुन रहा हूँ. जब करूँगा तो आपको ऑब्वियसली पता चल जाएगा. लेकिन सुनने में आया कि आप मर्डर फो कर रहे हो, तो व्हाट इज़ योर आइडिया? नहीं, वो सिर्फ सुनने में ही आया, मुझे भी सिर्फ सुनने में आया. अभी ऐसा कुछ नहीं है. ओके, तो इसके बारे में बताओ, इस खास मूवी का खास बात क्या, व्हाट इज़ द यूएसपी? सी, आई थिंक द यूएसपी इज दैट दिस इज अ वेरी लाइट सटायर विद एन अंडरलेड कॉमेडी एंड ऑडियंस को एक बहुत ही अच्छे वे में, एक ह्यूमरस वे में एक सच देखने को मिलेगा जो किसी भी बाबा या मनी रैकेट से जो जुड़े होते हैं
ان کو ایسی کچھ چیزیں دیکھنے کو ملے گی جو وہ اس سے ریلیٹ کر پائیں گے. باقی آڈینس کے لیے یہ ایک بہت ہی اچھا لائٹ انٹرٹینر ہے. تو لاسٹلی جاتے جاتے آپ کیا بتانا چاہو گے, واٹ آر یور اپ کمنگ پروجیکٹ, واٹ از ان پائپ لائن؟ سی لاسٹلی آئی ووڈ جسٹ لائک ٹو سے دیٹ فرسٹلی پہلی بات یہ ہے کہ اوڈن شو آ رہی ہے 5 جنوری کو, سو پلیز جا کے دیکھیے ایٹ اے تھیٹر نیئر یو. اینڈ دین آئی ایم ورکنگ آن اے کامیڈی فلم وچ از می اینڈ کرشنا ابھیشیک اینڈ نازیہ. سو دس از اگین اے فل آن کامیڈی وچ از اباؤٹ کہ ایک فلم کے اندر, فلم کے سیٹ کے پیچھے کیا ہوتا ہے. تو وہ اس کے اوپر ہے جہاں پہ میں ایک ڈائریکٹر پلے کر رہا ہوں. یا کرشنا از پلئنگ اے سپر اسٹار, آئی ایم پلئنگ اے ڈائریکٹر, اینڈ دا گرل از پلئنگ اے ٹی وی ایکٹریس. ہائی, آئی ایم رجنیش دگل اینڈ یو واچنگ می آن پاپ بالی ووڈ ڈاٹ کام. وشنگ یو آل اے ویری ہیپی نیو ایئر. Thank you.